पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे और गौर मोहन बाबू के रिश्ते को कितना विकृत करके देखा है। गौर मोहन बाबू जैसे इंसान को नीचे गिराना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। हिंदू समाज समूची मानव जाति का समाज नहीं, केवल वही हिंदू हो सकता है जो देव योग से हिंदू परिवार में जन्म ले। अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या उसे शादी में जाने देती? तुम तो हिंदू घर की औरत हो, तुम्हें तो सब समझ आती है। तुम किस मुंह से ये बात कह सकती हो भला? अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या उसे शादी में जाने देती? क्या तुम्हें ये चिंता नहीं होती कि उसकी शादी कैसी होगी? नहीं नहीं, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर इसे आपत्ति हो तो। मुझे तुम लोगों की कोई भी बातें समझ नहीं आती। तुम्हारा ही बेटा तो उसे हिंदू धर्म के प्रति खींच रहा है और तुम अचानक कौन से आसमान से टपक पड़ी? मौसी। डरो मत, मैं ये सब पहले जानती नहीं थी। मैं उस पर कोई जोर नहीं डालूंगी और तुम भी मत डालना। अब तक वो अपनी जिंदगी एक तरीके से जी रही थी, ज्यादा दबाव डाला तो वो सह नहीं पाएगी। ये क्या मैं नहीं समझती? यूं ही ऐसे ही उम्र हो गई? ये तुमसे कहे ना, क्या मैंने उसे कभी कोई कष्ट दिया है? वो जो चाहती है वही करती है। मैं कभी कोई बात नहीं कहती, मैं तो बस यही कहती हूँ कि भगवान उसे बनाए रखे। मेरे लिए तो वही बहुत है। मेरा जैसा भाग्य है, कब क्या हो जाए इसी डर से तो मुझे नींद भी नहीं आती। माँ, मैं नहीं बेटा, मैं फिर आऊंगी, तुम्हें खबर देती रहूंगी। कोई विघ्न नहीं होगा बेटी, ईश्वर के आशीर्वाद से सब कार्य शुभ होगा। जी। खुश रहो। বসে না বাইরে আসি তাই দয়াল, খোলা মাঠে বাউল সুরে দোতারা বাজায় দয়াল, দোতারা বাজায়।
কোথাও যেন পশু পাখি কাঁদে বাউল সুরে, আমরা বাউল কাঁদি গো দয়াল এক তারার তারে, দয়াল এক তারার তারে, ওই চাতক কাঁদে নীল আকাশে, চাতক কাঁদে নীল আকাশে, এক ফোঁটা জল চাই ভোলা মাটি বাউল সুরে, দোতারা বাজাই ও দয়াল ঘরে আমার মন বসে না, বাইরে আসি তাই দয়াল, বাইরে আসি তাই। ফুল হোনা চাইয়ে, আইয়ে 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 পরেশ বাবু, খুশ রহো বেটি, খুশ রহো। ললিতা হামারে ঘর সে বহুত বড়া দুঃখ লেকে আই হে। বাবা আপ বিলকুল চিন্তা মত কিজিয়ে, ললিতা কো ইয়াহাঁ পর স্নেহ কি কোই কমি নাহি হোগি। জি হ্যাঁ পরেশ বাবু, ললিতা কি তরফ সে আপ বিলকুল নিশ্চিন্ত রহিয়ে, আর ফির জিসকে হাত আপ উসে সঁপ রহে হ্যায় না, উসে ললিতা কো কভি কোই দুঃখ নাহি মিলেগা। আর ফির ইতনে দিনো বাদ মেরি ভি তো এক সাধ পুরি হো রহি হ্যায়, মেরি কোই বেটি নাহি হ্যায়, বিনয় কে বহু কে রূপ মে মুঝে মেরি বেটি মিল গই। मैं नहीं जानती थी कि भगवान इस तरह से मेरी साथ पूरी करेंगे, और मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि ललिता मेरी बेटी के रूप में आ रही है। अंदर जाकर कहो कैलाश बाबू आए हैं। बाहर एक आदमी आए हैं, कैलाश नाम बता रहा है। अरे वो तो मेरे देवर है, जल्दी बुला के लाओ। आइए बाबू आइए। आओ देवर जी बैठो। बताओ भाभी, बस चल रहा है। पानी दो हाथ पैर धोने के लिए? नहीं नहीं जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे वाह, तुम्हारा तो स्वास्थ्य अच्छा ही दिख पड़ता है। क्या अच्छा है, बस जिंदा हूँ, मरती भी तो नहीं। अरे ये क्यों नहीं देखती, तुम हो तभी तो कलकत्ता आना हो सका, खड़े होने की जगह तो मिली। तो ये घर उसी का है? हाँ। घर तो पक्का है? पक्का तो है ही, सब पक्का है। शहतीर सब मजबूत साल की लकड़ी के हैं, और खिड़कियां दरवाजे आम की लकड़ी के बिल्कुल नहीं। क्या राय है भाभी, 7-8 हज़ार रुपया तो होगा? क्या कह रहे हो देवर, 7-8 हज़ार से क्या होता है, कम से कम 20 हज़ार का तो होगा ही। वो सब तो हुआ, लेकिन लड़की? उसके बुआ के घर से उसका बुलावा आया था, अचानक जाना पड़ा, अब 2-4 दिन जरा देर हो सकती है। अरे तो फिर देखने का काम कैसे होगा, मेरा तो एक मुकदमा भी है, कल ही जाना होगा। अरे मुकदमा रहने दो, यहाँ का काम निपटे बिना तुम नहीं जा सकते। हाँ बहुत होगा तो यही ना, मुकदमे की एक तरफा डिक्री हो जाएगी, मामला फिस होकर रह जाएगा, वो होता रहे। उसकी क्षतिपूर्ति का पूरा आयोजन तो यहीं पर है। चल
भाभी यह ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात होगी? अरे वो जो वहां फर्श पे पानी पड़ा है ये कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अरे ऐसे में तो फर्श सील जाएगा। इसी से कह देता हूं इस कमरे में पानी वानी गिराना एकदम नहीं चलेगा। भाभी क्या बिल्कुल ऐसे ही दिखती है? वो तो तुम उसे देखकर ही जानोगे, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आज तक तुम लोग के घर में इतनी सुंदर सी बहू नहीं आई होगी। क्यों, हमारी मजली भाभी? क्या बात कर रहा है, कहाँ ये और कहाँ वो मजली भाभी। इसके सामने मजली बहू ठहर सकती है? तुम कुछ भी बोलो, मैं तो कह देती हूँ मुझे तो वो मजली बहू से वो छोटी बहू ज्यादा सुंदर दिखती है। आओ तुम्हें मैं बाकी के कमरे दिखाऊं। हाँ हाँ चलो। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यो मोक्षेय मां। गोरा भीतर मत आना, डरो मत, मैं तुम्हारे पूजा में बाधा डालने नहीं आया हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। नीचे बैठो। आज सोमवार है ये तो तुम्हें पता होगा। निश्चय आज सोमवार है, आज पंचांग से भूल हो सकती है किंतु तुमसे नहीं। इतना तो तय है कि आज मंगलवार नहीं है। तुम आओगे तो नहीं ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आज एक बार तुम्हें बुलाए बिना मैं ये काम कर नहीं सकता। इसीलिए सुबह उठकर चला आया। तो तुमने निश्चय कर लिया है कि मेरे ब्याह में नहीं आओगे? मैं नहीं भी आया तो क्या हुआ, तुम तो जीत गए ना, मां भी अब तुम्हारे साथ है। मैंने तो रोकने का इतना प्रयास किया किंतु उन्हें रोक ना सका, और अंत में मां के लिए मैं तुमसे भी हार गया। बिनोय क्या एक एक करके सभी लोग मुझे छोड़ जाएंगे? अपने नक्शे में मैं अकेला ही रह जाऊंगा ना। लेकिन गोरा तुम इसका दोष मुझे नहीं दे सकते। मैंने माँ से बहुत जोर देकर कहा था कि मेरे ब्याह में ना आए, लेकिन उन्होंने कहा कि बिनू जो लोग तेरे ब्याह में नहीं आएंगे वो तो तेरा न्योता पाकर भी नहीं आएंगे, इसलिए तू किसको बुला मत और मना भी मत कर। गोरा तुम मुझसे कहाँ हारे हो, तुम तो अपनी माँ से ही हारे हो, हजार बार हारे हो, ऐसी माँ और कहाँ मिलेगी? ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, अगर बिल्कुल असंभव हो तो मत आना, लेकिन अपने मन में कोई गुस्सा मत रखना। इस मिलन से मेरे जीवन को कितनी सार्थकता मिल रही है अगर तुम इसका अनुभव कर पाते तो इस विवाह का विरोध कभी नहीं करते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विनय लग्न तो शाम को है ना, जल्दी क्या है, कुछ देर रुक जा।
जी दीदी हैं? छोटी मालकिन तो घर पे नहीं है। कहाँ गई हैं? लोलिता दीदी के ब्याह के प्रबंध के लिए कुछ दिनों से दूसरे घर में रह रही है। कहिए महाशय, क्या चाहते हैं? क्या कोई पात्र सोच रखा है? सोचा तो है और पात्र बहुत अच्छा भी है। मेरा छोटा देवर कैलाश बहुत अच्छा लड़का है। कहिए महाशय, क्या चाहिए? जी कुछ नहीं। अरे आइए, थोड़ी देर बैठिए, तंबाकू पीजिए। जी नहीं, मैं ठहर नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। गोरा, मैं तुम्हें निश्चय पूर्वक कहता हूं, मनुष्य की समूची प्रकृति को पल भर में जगा देने का उपाय ये प्रेम ही है, चाहे जिस कारण हो। हम लोगों में इस प्रेम का आविर्भाव दुर्बल होता है और इसीलिए हम सभी अपनी उपलब्धि से वंचित हो जाते हैं। इसमें क्या है ये हम नहीं जानते। जो भीतर छिपा हुआ है उसे प्रकाश में नहीं ला पाते। जो जमा पूंजी है उसका व्यय करना हमारे लिए असंभव होता है। इसीलिए चारों ओर ऐसा निरानंद छाया रहता है, घोर निरानंद। तभी तो ये भी तुम्हारे जैसे दो एक व्यक्ति ही समझ पाते हैं कि हम में अपने में कोई महत्ता है। साधारण लोगों के मन में तो इसकी चेतना ही नहीं होती। माँ, मुझे बुलाया बेटी? नहीं माँ, ये तो दोनों के दोनों अनाड़ी है। अब तू ही बता, इनके गृहस्थे संवारे बगैर मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी कुछ दिन आपके पास ही रह जाती हूँ। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। कुछ दिन सूची दीदी भी हमारे साथ रहे ना। मैं भी तुम लोगों के साथ रहूंगा। अच्छा, तेरी पढ़ाई नहीं है बख्तियार? क्यों, विनय बाबू मुझे पढ़ाएंगे, है ना? विनय बाबू अब तेरी मास्टरी नहीं कर सकते, समझा? क्यों भाई, जरूर करूंगा। एक ही दिन में ऐसा क्या निकम्मा हो गया हूँ, समझ में नहीं आता। चलो सतीश बाबू, पढ़ाई करते हैं। आओ ना। तुम्हारी मौसी राजी हो गई? पता नहीं माँ, मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें चिट्ठी लिखकर पूछ लेती हूँ। नहीं, मैं उन्हें चिट्ठी लिखूंगी। आपके लिए चिट्ठी। एक पाल के बुलाओ, मैं अभी बाहर जाऊंगी। Thank you.
मैं राधा रानी को लेने आई हूँ। हाँ हाँ ले जाना, पर बैठो तो। नहीं, मेरी पूजा अर्चना सब पड़ी हुई है और मेरी प्रार्थना भी बाकी है, मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। सुन रही है? चल, देर हो रही है। चलती हूँ।